वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ICSE क्लास 10th के चैप्टर 12 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें आपको इस चैप्टर का वन शॉट के माध्यम से जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखें और देन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर लें। तो देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। तो मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बता रखा है कि कोई भी अगर लाइन दिया गया है, कोई भी हमें एक लाइन अगर गिवन है, मान लीजिए हमें यह एक लाइन गिवन है और जो कि हमें यह एक लाइन गिवन है जो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, किससे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, उस वीडियो में क्या बताया गया है, कोई भी लाइन अगर हमें गिवन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल मेजर बना रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। और देन मैंने बता रखा है कि किस अगर हमें इंक्लिनेशन गिवन है और हमें हमसे बोला जाए फाइंड द स्लोप, तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। अगर आपको इंक्लिनेशन पता है, सिंपली हमें क्या करना है, उस एंगल का टेन फाइंड कर लेना है और जो उसका टेन होगा वही क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन होगा। ठीक है, तो देन हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का, इसमें हमसे बोला गया कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। तो सिंपल क्या गिवन है कि इंक्लिनेशन कितना दिया है, इंक्लिनेशन हमें कितना दिया है 45 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा 10 थीटा। हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, यानी कि m इक्वल्स टू आ जाएगा 10 45 डिग्री। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 45 क्या होता है, 1। तो यानी कि जो गिवन लाइन है जिसका इंक्लिनेशन 45 का है उसका स्लोप क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, देन इसी का जो पार्ट सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो पार्ट सेकंड है, उसमें हमें जो इंक्लिनेशन दिया गया कितना दिया गया है 30 डिग्री। क्या दिया गया है? 30 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 10 थीटा, यानी कि m क्या हो जाएगा 10 30, और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, देन जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ भी दिया गया कि फाइंड द इंक्लिनेशन, ठीक इसी का उल्टा क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे इंक्लिनेशन पूछा जा रहा है और हमें स्लोप ऑफ द लाइन दिया गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे कि अगर हम मान लें कि लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, देन m बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 10 थीटा। तो स्लोप हमें ऑलरेडी कितना गिवन है कि 10 थीटा हमें क्या गिवन है, इसका स्लोप क्या गिवन है, 1। और हम सभी को पता है कि 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 45 की, यानी 10 थीटा बराबर क्या आ गया, 10 45, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। थीटा क्या आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड में हमें गिवन है स्लोप क्या दिया गया है, √3, यानी m बराबर हमें क्या दे रखा है, √3। तो m का मतलब क्या होता है, 10 थीटा। सभी में आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 60, क्योंकि 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो एक बार आप क्लास 9th का बुक ओपन करके चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें, उसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं कि 10 45 क्या होता है, 10 60 क्या होता है, 10 30 क्या होता है। ठीक है, 10 45 दे रखा है हमें 10 60 डिग्री, थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, देन इस 2 का थर्ड दिया है, 2 का थर्ड हमें जो गिवन है उसमें हमें बताया गया है कि स्लोप क्या है, 1/√3। स्लोप क्या है, 1/√3, यानी कि फिर से हमें m दे रखा है 1/√3, यानी 10 थीटा हमें दे रखा है 1/√3, और जो 1/√3 है वो किसकी वैल्यू है, तो 10 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उसको 100% पहले देख लें। बाकी अगर आप उसको अच्छे से देखते हैं तो जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, आप 100% बिना किसी से पूछे इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव,
यानी हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन पता करना है जो एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका एक्स और एक्स डैश है, ये वाई एंड वाई डैश है, यानी कि ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो हमें ऐसे लाइन का इक्वेशन पता करना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड क्या है टू यूनिट अबव। तो मैंने उसमें बता रखा था कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि y इज इक्वल्स टू में a। अब y इज इक्वल्स टू में a लिखने का मतलब क्या है कि y इज इक्वल्स टू a है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है y इज इक्वल्स टू में a, और a का मतलब क्या है कि लाइन जिस पॉइंट से पे y एक्सिस को कट कर रहा है। तो हमें क्या दे रखा है कि टू यूनिट्स अबव मतलब लाइन ऐसे पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो पास कहाँ से कर रहा है, तो यहाँ टू से, ठीक है। यानी कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू में टू, आपके बुक में हो सकता है ऐसे लिखा जाए कि y माइनस टू इज इक्वल्स टू में ज़ीरो, ठीक है। देन इसी में जो थ्री का सेकेंड है, ये थ्री का वन था और ये थ्री का सेकेंड, थ्री के सेकेंड में हमें दिया गया है कि थ्री यूनिट्स बिलो इट, तो यूनिट बिलो मतलब क्या होता है कि लाइन के नीचे, तो -1, -2 एंड -3, यानी लाइन यहाँ से पास कर रही है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू -3, यानी कि y+3 इज इक्वल्स टू में 0। ये था क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट वन एंड पार्ट टू का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट जो हम लोग आए क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमें गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हमसे पूछा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें क्या दे रखा है कि हमें एक ऐसे लाइन के क्वेश्चन पता करना है जो y एक्सिस के पैरेलल हो और थ्री यूनिट्स टू द राइट, और सेकेंड क्वेश्चन पूछा है थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो मान लेते हैं अपना सबसे पहले हम लोग ड्रा कर लें x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये आपका x और ये x डैश है और ये y एंड y डैश, ठीक है, ओरिजिन है। तो पहले दे रखा है कि लाइन, जब कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो गया तो इस साइड बनता है या फिर इस साइड बनता है, ठीक है, राइट में बनता है या तो इसके लेफ्ट में बनता है, y एक्सिस के राइट या फिर y एक्सिस के लेफ्ट में बनता है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या होता है कि x इक्वल्स टू में a, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू में a, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें उस लाइन का इक्वेशन पता करना है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें दे रखा है पहला कंडीशन कि राइट, थ्री यूनिट्स टू द राइट, यानी कि इस साइड में पास कर रहा है थ्री यूनिट, मान लेते हैं थ्री यूनिट है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा पहले वाले का कि x इक्वल्स टू में 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x-3 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री फोर के पार्ट वन का। देन क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट सेकेंड है कि टू यूनिट्स लेफ्ट मतलब किस साइड में है, एंड इसका इक्वेशन क्या होगा कि x इक्वल्स टू में -2, क्योंकि इधर क्या होता है निगेटिव होता है, यानी कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा कि x+2 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। देन अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 5। क्या है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ होगा, इसका कैसा है कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, इधर हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्या हमें बोला है कि जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट -3, 5 से, यानी कि -1, -2 एंड -3, यानी पॉइंट जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है -3, 5, और क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो मैंने आपको अभी बताया उसका इक्वेशन क्या होता है x इक्वल्स टू में a, और हमें गिवन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो -3, 5, यानी कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो -3 पे, यानी a की वैल्यू क्या है -3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपल सा है, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिस थ्रू -3, 5 इज
क्या होगा, x इक्वल्स टू में माइनस थ्री यानी x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू में जीरो। तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव का सॉल्यूशन, ठीक है। देन अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज थ्री एंड वाई इंटरसेप्ट इज माइनस फाइव। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे हमें स्लोप पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो और हमसे पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे m का मतलब क्या है, तो सिंपल सा है स्लोप, एंड c मतलब क्या है y इंटरसेप्ट, ठीक है। m का मतलब है स्लोप ऑफ द लाइन और c का मतलब क्या है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन में कि हमें क्या दिया है स्लोप, यानी कि m गिवन है 3 एंड c गिवन है माइनस फाइव, ठीक है। सिंपल सा हम क्या लिख देंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी, यानी कि y m की वैल्यू क्या है तो 3x माइनस फाइव, ठीक है। और एक चीज़ आपको हरदम याद रखना है, जब कभी भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर लिखें कहीं पे, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन और आप उसका एक फाइनल आंसर लिख रहे हैं, तो आपको हरदम इस फॉर्म में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में जीरो। और आपको हरदम याद रखना है कि आप ए को कोशिश करें कि हरदम पॉजिटिव रहे, हरदम ये क्या रहे जो a इज इक्वल्स टू में पॉजिटिव वैल्यू रहे, ठीक है। तो हम लोग इस वाले को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, हो सकता है आपके बुक में ऐसा ही आंसर दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो, ये भी आंसर सही है, नहीं तो हम लोग कभी भी अगर एग्जाम में अपना आंसर लिखेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा कि 3x प्लस वाई का साइड चेंज करेंगे माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल्स टू में जीरो, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो सिक्स को हमें कैसे करना है कि पहले हमें तो ऑलरेडी इसमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन है और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला क्या है वाई इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी, इस फार्मूले को हमें यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्ट सेकेंड में हमें क्या गिवन है कि यहाँ पर हमें एम की वैल्यू दे रखी है, स्लोप क्या दे रखा है माइनस टू अपॉन सेवन एंड वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी की वैल्यू क्या गिवन है तो थ्री। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी। हमें क्या याद रखना है कि जब कभी भी स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का यही फार्मूला होता है y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा कि y इक्वल टू में m की वैल्यू माइनस टू बाई सेवन इंटू में x और c क्या है तो c है थ्री, तो प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7y माइनस 2x और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, यानी हमें करना क्या है कि सबको 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्यों, क्योंकि नीचे से हमें 7 को यहाँ से डिनोमिनेटर में से हटाना है, ठीक है। फिर मैंने बता रखा है कि अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, यानी कि 2x का जब हम साइड चेंज करेंगे तो प्लस 2x प्लस 7y माइनस 21 इज इक्वल टू में जीरो, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट थर्ड, जिसमें हमें दिया है कि फाइंड द, इसमें हमें ग्रेडियंट दिया, देखो अब स्लोप और ग्रेडियंट एंड स्लोप इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, हम ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं, स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो इस यहाँ पर हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों क्या है सेम टर्म्स हैं, ग्रेडियंट और स्लोप का मतलब क्या होता है एक ही होता है। तो यहाँ हमें m की वैल्यू दे रखा है रूट थ्री और हमें y इंटरसेप्ट यानी कि c क्या दिया गया है, y इंटरसेप्ट यानी कि हमें c दे रखा है माइनस फोर अपॉन थ्री। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि y इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी, यानी क्या हो जाएगा तो y इज इक्वल टू में रूट थ्री एक्स माइनस फोर बाई थ्री। अब हम क्या करें तो सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3y 3√3x माइनस फोर, अब मैंने बता रखा है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 3√3x इसका साइड चेंज करेंगे माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू में जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट फोर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्ट फोर में हमें गिवन है कि इंक्लिनेशन दिया है, तो अभी हमने देखा है जो क्वेश्चन नंबर वन था कि जब हमें इंक्लिनेशन पता हो
तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, उसी का यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करके पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे। एंड वाई इंटरसेप्ट हमें दे रखा है यानी सी दे रखा है 2, ठीक है। तो पहले तो हम एम निकाल लें, एम बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 30 डिग्री, एम की वैल्यू क्या आ गई, स्लोप क्या आ गया हमारे पास, एम मतलब क्या है स्लोप, तो स्लोप आ गया अपने पास 1/√3, ठीक है। तो स्लोप हमें पता चल गया और वाई इंटरसेप्ट भी पता है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 में। तो अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने का फार्मूला क्या हमने पढ़ा है कि वाई इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू में क्या होगा, तो 1/√3 एक्स प्लस में 2। तो हम क्या करेंगे, सभी को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है रूट थ्री है, तो रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू में एक्स प्लस 2√3। अब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस 2√3 इज इक्वल टू में 0। ये आपका क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।